नमस्कार, मैं विवेक मेश्वरी आरती साड़ी से आज फिर आपके सामने अपनी नई वीडियो लेके आया हूँ। कुछ नई आइटम्स जो बनाई हैं वो दिखाने लाया हूँ। अभी तक इम्पोर्टेड लग रहा है, मैं आपको गोल्डन और वो दिखा रहा था सिल्वर में, अब मैं लाइट कलर में, ये देखिए लाइट कलर की मैचिंग लगाई है, इम्पोर्टेड नेट, इम्पोर्टेड पैनल, ये इस तरीके से पूरी पैनल में चल रही है। और इसमें हमने ब्लाउज जो दिया है डुपियन का दिया है। अच्छा, कुछ कस्टमर्स की क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही थी। एक तो कस्टमर ये नहीं समझ पा रहा कि स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। भाई आपने कोई आइटम मुझे बताई, ये इसका ब्लाउज हो गया, इसमें कलर्स भी हैं, तीन कलर बनाए हैं, पीच, फ्रोजी और पिंक, इसमें तीन कलर हैं। कस्टमर को स्क्रीनशॉट लेना नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये समझिए स्क्रीनशॉट कैसे कहते हैं, कैसे लेना है, वीडियो में से कहने हैं, वीडियो में से स्क्रीनशॉट कैसे लें, वेरी सिंपल। आप वीडियो को प्ले कीजिए, जब वीडियो में आपके पसंद की साड़ी आ जा रही है उसको पॉज करो, वीडियो पे रुक गई वहीं पे। अब ये देख लो इमेज क्लियर होनी चाहिए वो साड़ी की, यदि इमेज क्लियर है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना कैसे आता है किसी भी बच्चे से पूछ लो, सबको आता है स्क्रीनशॉट लेना हर मोबाइल में, चूंकि सिस्टम अलग होता है इसलिए मैं नहीं बता रहा, नहीं तो मैं अपने मोबाइल में बता देता। हर मोबाइल में सिस्टम अलग होता है स्क्रीनशॉट लेने का। आप स्क्रीनशॉट लें, वो स्क्रीनशॉट वहीं से उसे व्हाट्सअप कर दो, उन्होंने कहा भैया ये व्हाट्सअप करो तो मैं आपको उसके प्राइस बता पाऊंगा, दैट इज़ द बेस्ट वे। अदरवाइज बाकी तो मैंने बताया था रीसेलर्स के लिए मैं एक बहुत जल्दी एक सिस्टम लेके आ रहा हूँ, वो सिस्टम करीब करीब कम्प्लीट है, नेक्स्ट वीक में सबके लिए लॉन्च भी कर दूंगा, बता दूंगा कि क्या सिस्टम है, वो किस तरीके से काम होगा। और एक आइटम दिखा रहा हूँ आपको, सोनू पकड़ना इसको, रेडी टू वियर, रेडी प्लेट में, ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगी। इसका ब्लाउज ये कंट्रास्ट ब्लाउज दिया है, स्टिच ब्लाउज आएगा, ये साड़ी इसमें भी कलर्स आएंगे, जैसे ये हो गया पिंक हो गया, ये इस तरीके से कलर इसमें भी कलर्स आएंगे, फिरोजी हो गया, कलर्स मैं बनाता रहता हूँ सब में। एक कस्टमर बार बार पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा भैया सीओडी सीओडी, भाई साहब मैं जो भी बेच रहा हूँ बेचने वालों को रीसेलर्स के लिए सबसे माल काम कर रहा हूँ कि रीसेलर्स को मुझे माल देना है। अब रीसेल में भैया मेरा तो अपना तो सिस्टम एक ही है, आपको फर्स्ट यू हैव टू पे इन माय अकाउंट, मेरे अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करेंगे बिल बनने के बाद, बिल बनेगा कुरियर चार्ज ऐड होंगे, जीएसटी ऐड होगा, उसके बाद अब उसका बिल में मतलब मेरा बिल बन जाएगा जीएसटी पेड बिल, अब वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तभी। सीओडी के लिए प्लीज़ मुझे फ़ोन ना करें। अभी पीछे कस्टमर ने, मैं नाम नहीं लूंगा कस्टमर का, किसी किस्म की हो सकता है, उन्होंने पूरी बात समझाने के बाद भी उन्होंने मुझसे ब्लाउज निकलवाए, मैंने ब्लाउज निकाल दिए, सारे पीस उनका बिल बना, सब कुछ हुआ, बिल बन जब सब कुछ हो गया, मैंने सारी मेहनत कर दी, सब कुछ वो कर लिया, वो कहते हैं जी अब तो सीओडी, मैंने कहा ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था सीओडी अवेलेबल नहीं है, कहने नहीं जी हम आप पे कैसे विश्वास करें। सर विश्वास तो ये भी नहीं है कि आप वहाँ जाके मान लो पेमेंट नहीं देते या मना कर देते तो कैसे, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा हूँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, जीएसटी पेड बिल दे रहा हूँ आपको, 100% माल जाएगा, ट्रांसपोर्ट की स्लिप दूंगा, सब कुछ दूंगा, सारा माल सिस्टम से ही काम हो रहा है सर, तभी काम हो सकता है, मैं हूँ या आप हों कोई भी जन हो, बगैर सिस्टम के थोड़ी काम होगा, मैं तो आपको नहीं जानता, मैं तो यहाँ फिर बैठा हूँ, बेफिक्र रहिए सर 101%। एक बार जरा से किसी भी माल के लिए मैं करके मैं तो अमीर हो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि माल उसी सिस्टम से काम होता है, हमारी कंपनी का सिस्टम यही है कि आप पहले मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो मैं भेजूंगा, उससे पहले नहीं। और दिखाना ये पीस उठाओ, रोचा पीस, ये रेडी टू वेयर की आइटम्स देखो, एक ये चीज आई है ग्रे, इसमें ग्रे में लिया है, स्टिच ब्लाउज है, रेट हमेशा की तरह इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर यदि यहीं पे ओपन कर दूंगा तो आप कस्टमर को बेच ही नहीं पाएंगे। एक सर हर एक से एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ वेट करिए, आप ज़्यादा जल्दी मचाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सब कस्टमर्स को डील भी करना है, नई नई आइटम्स भी बनानी है, सब काम करना है, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी मचाएंगे। ये बेल्ट वाली साड़ी आपने दिखा दी, ये बेल्ट वाली रेडी टू वेयर जिसे 1 मिनट साड़ी बोलते हैं वही है ये। ये ब्लाउज दिखाओ, ये देखिए, हम एक सेकेंड, ये देखिए नंबर,
एक कस्टमर एड्रेस की दिक्कत है, बहुत सारे कस्टमर ऐसी जगह से मांगते हैं जहाँ पे नो डिलीवरी जोन है कि वहाँ पे कोरियर नहीं पहुँचता, अब इंडियन पोस्ट से ही जा सकता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें दिक्कत है। आप पहले या तो बता दें कि कोरियर कौन सा आएगा, दैट इज़ द बेस्ट वे, अदरवाइज इंडियन पोस्ट से तो चले ही जाता है, लेकिन इंडियन पोस्ट में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप यदि ये लेने के बाद ये कहेंगे भाई आपने डिले इतना हो गया, पर इंडियन पोस्ट है यदि नो जोन में, और जहाँ पे मेन सिटी है वहाँ तो दिक्कत ही नहीं होती, आप मेन सिटी का ले लो ना, तो दैट इज़ द बेस्ट वे। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ ये बताना भूल गया, ये जो कपड़ा है ये बैलून है, उसमें शाइनिंग होती है, विदाउट शाइनिंग का कपड़ा है, कपड़ा सेम है विदाउट शाइनिंग का कपड़ा है, सॉफ्ट है, इम्पोर्टेड है ये भी, इसे हम बैलून बोलते हैं। ये देखिए, कुछ नए कस्टमर्स ये भी कहते हैं सर पहली बार हम आपका सैंपल, ठीक है हम बेचते हैं सब काम करते हैं, लेकिन हम पहली बार आपका सैंपल मंगा के देखेंगे। सर सैंपल के लिए मैं तैयार हूँ, सब कुछ तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए भी कम से कम आपको 2000 रुपये की परचेजिंग मिनिमम तो करनी पड़ेगी। एक बार मैं बहुत छोटी अमाउंट बोल रहा हूँ, लेकिन 2000 की तो मिनिमम, क्या आप विश्वास जम मान लो, चीज़ देख लो, क्वालिटी चेक कर लो, लेकिन सर 2000 की तो लोगे, चाहे 500 रुपये की 4 साड़ी ले लो, चाहे 1000 रुपये की 2 लो, 2000 की 1 लो, या मतलब और जैसे मर्जी एडजस्टमेंट हो, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। 200 टॉप ब्लाउज, एक हर एक कस्टमर पूछता है सर इस नंबर पे व्हाट्सएप है, मेरे वहाँ पे 5-6 नंबर दिए हुए हैं, सर 6 के 6 नंबरों पे व्हाट्सएप है, ये मैंने पहले भी कहा था, हर नंबर पे व्हाट्सएप है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट आपको मैं फिर से यही कह रहा हूँ, रेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेट बताने के बाद फिर आप वहाँ पे बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके कस्टमर को पता होगा कि आपने क्या करना है। ये तो फ्रंट चेन का है, इस तरीके से आगे से ये चेन खुल जाती है, ये भी काफ़ी चल रहा है, इसमें मैंने पिछली बार ब्लैक दिखाया था, अब की बार हमने मैरून का बना दिया, कुछ कस्टमर्स की डिमांड पे ये उस पर भी बना रहे हैं हम। ये देखिए, ये बैलून पे ही बन रहा है डिजाइन। ये उसका ब्लैक का, सर बिल बनने का सिंपल तरीका यही होता है कि बिल बनाया, उसमें कोरियर चार्जेस ऐड किए, उसके जीएसटी पे ऐड कर दिया, जो जीएसटी गवर्नमेंट को जाना है, और इस टाइप के डिजाइन देखो, उसका ब्लैक भी दिखा दिया आपने, और निकालिए ये देखो, ये सर ब्लैक वेलवेट पे, वेलवेट भी बढ़िया इस्तेमाल की, साइज बड़ा, अंदर थोड़ा सा मार्जिन दिया होता है, उसके बाद भी मैंने, ये है साइड चेन से होता है, एक एक इंच का, 2 इंच का टोटल मार्जिन है, ऑलरेडी बड़े हैं, बड़ा साइज छोटा तो हो सकता है, छोटा साइज बड़ा नहीं हो सकता सर। एक मेरे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ब्लाउज में जो मैं रेडीमेड ब्लाउज बेचता हूँ, ये नहीं, जो रेडीमेड ब्लाउज बेचता हूँ, उस वीडियो में मैंने कहा था 10 पीस पर डिजाइन एक पार्सल, लेकिन शायद मेरा समझाना गलत रह गया, एक पार्सल से लोग समझे नहीं, एक पार्सल मतलब 200 पीस का होता था। अब कुछ कस्टमर्स ने कहे भाई फर्स्ट टाइम है हम आपसे कैसे लें, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 5 पीस पर डिजाइन, लेकिन एटलीस्ट 100 पीस तो लेने पड़ेंगे। कस्टमर कहते आपने 10 पीस पर डिजाइन कहा था, मैंने कहा तो अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, 10 पीस पर डिजाइन 200 पीस कह रहा था, लेकिन कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, मैंने कहा 5 पीसेस पर डिजाइन, लेकिन एटलीस्ट 20 डिजाइन छाटो तो 100 पीस का पार्सल तो हो, नहीं तो उससे उसमें ज़्यादा मार्जिन है नहीं, लेकिन कम हो किस तरह से, क्वालिटी मेंटेन करी हुई है। कुछ कस्टमर, कुछ होलसेलर ऐसे भी आए कहने के यार इससे कम रेट पे तो हमारे भी बिक रहा है, बिक रहा है सर, क्वालिटी क्या, क्वालिटी पे तो डिपेंड करता है, आप दिखाते भी रहो। एक कई कस्टमर कहते हैं सर 200 रुपये की साड़ी है, 250-300 रुपये की साड़ी, 400 रुपये की साड़ी जो आप बेच रहे हो उसको मुझे उस पर दिखाओ। ये देखिए जर्कन कितनी बढ़िया लगी, किस तरीके से फुल काम है। तो सर ऑनलाइन दिखा पाना अभी उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, हमें मुश्किल हो रहा है। ये पीछे से डिजाइन बनाया हुआ है, इस तरह से चल रहे हैं, साइज बड़ा। प्लीज यारा आपसे भी वैसे रिक्वेस्ट है, सस्ती साड़ी तो वहाँ पे भी सस्ती मिल जाएगी, यदि कोई मुझसे दूर है, पास के कस्टमर के लिए तो कोई बात नहीं, वो तो यहीं आके ले सकते हैं, बेस्ट तरीका है, यहाँ पे दुकान पे आके तो सब कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन दूर के कस्टमर मुझसे यार फैंसी आइटम्स लो ना, तो फैंसी आइटम में आपको रेट का गैप भी मिलेगा, डिफरेंस भी मिलेगा और मजा भी आएगा। सस्ती आइटम में तो फिर वो सस्ती है, उसमें तो वो भी वहाँ पे भी सस्ती होके बिकती है सस्ती आइटम। ये देखिए, ये मैंने ऑफ शोल्डर जिसे बोलते हैं, आजकल काफ़ी चल रहा है, गर्ल्स काफ़ी पहनती हैं ऑफ शोल्डर डिज़ाइन, ये ऑफ शोल्डर डिज़ाइन है, इसमें ये आगे से ऐसा रहा, कट स्लीव्स हो जाती हैं पीछे से, ये देखिए पीछे पूरा काम है, थोड़ा सा पास से और क्लोजअप ले लेते आप,
देखो इसमें आगे मैंने पूरे यहाँ पे पट्टी दे दी है, तो इस तरीके से बनाया हुआ है। बाकी कस्टमर्स तो सब तरह के मिल जाते हैं, कुछ कस्टमर्स वो है, एक कस्टमर भाई साहब नाराज भी हो गया मुझसे, इस तरह का होता ही रहता है। कहने भाई साहब मैंने आपको कहा था, दो तीन बार फोन कर दिया, आप मुझे व्हाट्सअप नहीं कर रहे, आपने क्यों वीडियो डाली? सर वीडियो अपनी आइटम दिखाने के लिए डाली है, मैं अपनी कैपेसिटी से फालतू काम कर रहा हूँ ताकि हर एक को सेटिस्फाई कर सकूँ। मेरा फर्स्ट पर्पज है सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकूँ। अब मेरी भी एक लिमिट है काम करने की, और सब जने यहाँ पे सारा स्टाफ भी पूरी उससे काम कर रहा है, थोड़ी सी तो सर वेट करनी ही पड़ेगी। ये देखिए ये हैंडवर्क की, अब टेस्ट अलग अलग होता है, कहते वो वाली बता दो, भाई सब टेस्ट अलग अलग है, कौन सी वाली? सबके चीज़ें अलग अलग हैं, सबको पसंद अलग अलग है, किसी को ये ब्राइडल लगती है, किसी को कुछ अलग लगता है। हाँ मेरे पास बहुत सारी वैरायटी नहीं है, क्योंकि मैं जो बनाता हूँ मैं खाली वो दिखा पाऊँगा। आप सोचोगे मेरे पास हर तरह की आपके पसंद की मिल जाए तो शायद ना मिले, क्योंकि मेरे पास तो सारे दुकानदार हैं, बेचने वाले हैं, मैं बेचने वालों को ही टारगेट कर रहा हूँ ज़्यादातर। हालांकि कुछ कस्टमर्स कमेंट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते। सर मैं, मेरा मोबाइल कहाँ है लाना ज़रा, मैंने पहले भी दिखाया था, मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा लोगों की व्हाट्सएप आए हुए हैं। मैं अपने लिमिट है बात करने की कि मैं बात भी कर पाता हूँ सबसे, बात भी कर कोशिश करता हूँ, कम से कम जिसका फ़ोन आया फ़ोन तो अटेंड कर लूँ, और रिप्लाई भी देता रहूँ, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई देता रहता हूँ। यहाँ जो कस्टमर आया है, चलो यहाँ जो कस्टमर आया उसको भी अटेंड करना है। ये पूरा शोल्डर पर आएगा, नीचे चलेगा, बहुत बढ़िया गेटा पता है, जब शोल्डर पे साड़ी खुलेगी इस तरीके से लगेगी। सुनो जी एक बार वैसे रखना अपने शोल्डर पे, इधर से जो पल्ला आता है ऐसे, ये देखिए ये ऐसे आएगी शोल्डर पे। इस तरह की साड़ी जो होंगी फ्लेयर पल्ले में ही ली जाती है, उस तरीके से नहीं पहनी जाती। एक मैंने पहले भी अपनी वीडियो में, लोग समझ नहीं पा रहे जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं, एड्रेस समझाने की कोशिश करी थी। मेरा जो शॉप है ये चांदनी चौक मेट्रो और चावड़ी बाजार मेट्रो दोनों के बीच में पड़ती है, सेंटर में, दोनों से तरफ से आया जा सकता है। बेस्ट ये होता है कि चावड़ी बाजार से बाहर निकलते ही आपको रिक्शा मिल जाएगा, बाहर निकलते ही उन्होंने कहा नई सड़क पर नया मारवाड़ी कटरा, मारवाड़ी कटरे दो हैं, एक नया एक पुराना, पुराना आगे है नया इधर बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। नए मारवाड़ी कटरे के संग के ऊपर ही स्कूल है, मारवाड़ी स्कूल, वहीं पर उसके साथ में गली है, बाहर पान वाला बैठा हुआ, गली में घुसते ही दूसरी बिल्डिंग हमारी है 1548 नंबर, नया मारवाड़ी कट रहा है। यहाँ पे बाहर उतरेंगे तो दिख जाएगा, मैंने अपनी वीडियो में दिखाया भी था, आप और दिखाओ। ये देखिए रेड कलर की, अब वेडिंग किसी के लिए ये है, आजकल काफ़ी चल रहा है हैंडवर्क के डिज़ाइन, क्योंकि लोग सूरत के आइटम से रेशम वर्क से थ्रेड उसमें वही साड़ी सेम डिज़ाइनिंग 500 रुपये में भी है, 5000 में भी है, और उसमें भी है 2000 में भी है। अब उसका डिफ्रेंशिएट कैसा हो, सिर्फ काम का फ़र्क है, चीज़ का फ़र्क है, लेकिन ये देखिए ये चीज ही अलग है जो वास्तव में लगता है कि हाँ वेडिंग के सबसे अच्छी रहेगी। मंडे से सैटरडे तक मेरी दुकान खुलती है, ब्लाउज दिखा दो उसका, मंडे से सैटरडे तक। हाँ मेरा संडे एक ऑफ होता है, संडे होलसेल वाला सबको ऑफ होता है। हम सुबह 11 से 8 बजे तक यहाँ पे होते हैं, एक सब कस्टमर से एक रिक्वेस्ट और थी। ये देखिए एक ही नंबर पे कॉल करें, वो क्या करते हैं कभी इस नंबर पे कॉल कर दिया, आधी बात इस पे करी, आधी बात उस पे करी, आधी तीसरे पे करी, तो भैया हमें कंफ्यूज कर रहे हो क्या? हम तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारे रेट तो एक ही है, सब कुछ फिक्स है, फाइल बनी हुई है, डिजाइन नंबर मैंने पहले भी दिखाया था, सबके डिजाइन नंबर है, सब सिस्टमेटिकली काम है। लेकिन हाँ आप अलग अलग आदमी से बात करेंगे तो क्या होगा कि इसी वजह से ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जो कस्टमर को माल बेचना है वास्तव में अच्छे दुकानदार हैं, अच्छा बेचने वाले हैं, मैं उनसे नहीं जुड़ पाता, नहीं कहा भैया एक पीस मिल जाएगा, ये मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, बस कहना ही। और दिखाओ आइटम्स, ये देखिए सर आज की डेट में ऑनलाइन बेचिए, कस्टमर्स काफ़ी सारे नए कस्टमर जुड़े हैं जो कहते हैं कि किस तरीके से बेचना है, अब किस तरीके से बेचना है, विदाउट इन्वेस्टमेंट सेल करिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट सेल करने का सिंपल तरीका है, आप ऑनलाइन बेचिए, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे उस तरीके से बेचिए।
इधर से हटाना जरा ब्लाउज को, उस पर बेचिए ना, कस्टमर सस्ता बिकता है, क्वालिटी चेक होती है। हाँ ये जरूर है, यदि आप उसमें तरीके से करें तो मेरे पास तो ऑनलाइन सेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं। ये देखो ये वाली भी रेट दिखा दो, काफी तरह की चीजें बना रहा हूँ। नहीं नहीं अब इसमें ये तो रेड स्पेशल ही है, इसमें कुछ हैंडवर्क की साड़ियाँ ऐसी भी हैं जिसमें कलर वाइज बनाता हूँ, जिनमें कलर आते हैं इनमें, चूंकि चूंकि ये देखिए कटवर्क का डिजाइन है, ये रेड स्पेशली बनाई जाती है वेडिंग के हिसाब से बनाई है खाली आइटम्स। एक दो इम्पोर्टेड लग रहा वाली और दिखाना आइटम, चूंकि अलग अलग तरह की मैं काफ़ी बना रहा हूँ तो इस डिफिकल्ट कि किसको कौन सी पसंद आ रही है, लेकिन सर पेशेंस रखिए। और जितने रीसेलर्स हैं उनके लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ, जो ऑनलाइन रीसेलर्स हैं जो माल बेचना चाहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है। उधर से दिखाओ, बहुत बढ़िया गेटअप आ रहा है, पैनल में चल रही है साड़ी, वो देखो ब्लैक वाली, कुछ कस्टमर्स ने मुझे जो मेरे पास आए थे उन्होंने मुझे अच्छा फीडबैक भी दिया। कोई कस्टमर ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने किसी के संग चीटिंग करी है, चीटिंग नहीं करी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि रिप्लाई सबको नहीं दे पा रहे, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी रिप्लाई करने की। ये एक नया कपड़ा आया, कपड़ा ही अलग है, इसकी फील ही अलग है, इसमें पीछे लगा हुआ इम्पोर्टेड नेट, इम्पोर्टेड पैनल, सब कुछ इस तरीके से है। ये देखिए और देखो, ये देखिए रेट्स, फिर यही कहूँगा इसलिए नहीं बता रहा, ये टू टोन लैकरा लगाइए, पीछे गोल्डन दे दिया, ये शेड मार देती है, नई तरह की लैकरा चली है, पीछे गोल्डन के संग इस तरह से दे दिया, ठीक है वाली और दिखा दो। मेन तो ऑनलाइन रीसेलर्स के लिए मैंने बहुत बढ़िया सेटिंग बैठाई है, अभी तक जो मैं नहीं करवा रहा था वो मेरे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत इजी है। मेरा पर्पस भी मेन ऑनलाइन रीसेलर्स को जोड़ना है। ये ब्लाउज इसका इस तरीके से बहुत जल्दी भैया मैं आपके, ये ब्लाउज फैब्रिक वेलवेट का ब्लाउज है, ये इस तरीके से, ये देखिए। अब मैं आपको नई वीडियो में नई चीज़ दिखाऊंगा, बिल्कुल जो आजकल लहंगा साड़ी चल रही है वो मेरा बन रहा है माल, आज मैं नहीं दिखा रहा जानबूझ के। इसका ब्लाउज दो टू टोन कपड़ा है, टू टोन जोड़ जाता है भाई। हम तो खुद भी ना, एक सेकंड मनोज जी, मेरे बहुत दिनों से इच्छा थी एक बात कहने की, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी सबसे एक बात कहने की, मैं खुद भी यही करता हूँ, मैं आप लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी ये करो भाई, भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को, बुद्ध को, जो जिसको भी मानता है, वाहेगुरु को, मैं ये नहीं कह रहा, जो जिसको मानता है उससे एक ही दुआ करो, एक ही सुबह प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे मन कर्म वचन किसी भी तरीके से मैं ना बुरा सोचूं, ना बुरा कहूं, ना बुरा करूं, ना ही कोई मतलब किसी के मेरे मन में विचार भी ना आए जो ना मैं करूँ किसी के साथ, भैया मैं सबसे यही कहता हूँ आप लोग भी ये करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये कहने के बाद अब उससे फ्री हो गए, फ्री कोई नहीं होता,
कर्म तो आप ही के हैं, भुगतना तो आप ही को पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी, और कोशिश करो जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में, कभी कभी आदमी से गलतियाँ भी हो जाती हैं, अपराध भी हो जाते हैं, कोशिश करो कि ना हो, और कम से कम जो हो गया उसके लिए पछताओ, कि भगवान से माफ़ी मांगो, ऊपर से अल्लाह से खुदा से जीसस क्राइस्ट से माफ़ी मांगो कि भैया मैंने ये कर दिया, गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगा, कसम खा लो उसके लिए कि जो हो गया वो है, आगे से कभी नहीं करूँगा। एक रिक्वेस्ट है और भगवान से, यही कोशिश करो कि मैं आगे से ऐसा कोई काम ना हो। थैंक यू सर, फिर मिलेंगे।